सो नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स, और इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा एंड देन वील स्टार्ट विथ अर्थ्स मैग्नेटिज्म. देखिए सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स. देखिए हमारी हेडिंग होगी, सबसे पहला जो टर्म आएगा वो आएगा एच फील्ड. ठीक है, या इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोला जाता है. मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. दूसरा जो टर्म आएगा हमारा दैट विल बी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. क्या मतलब हुआ इसका, कितना मैग्नेटाइज हो सकता है. ये हिंदी में क्यों लिखा, ताकि आप इन दो वर्ड में कंफ्यूज ना हो जाए. मैग्नेट बनाने के लिए कितनी इंटेंसिटी दे रहे हो, ये क्या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कितना मैग्नेटाइज हो सकता है. तीसरा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. चौथा रिलेटिव परमेबिलिटी, क्योंकि मैग्नेटिक परमेबिलिटी से हम ऑलरेडी वाकिफ हुआ, परमेबिलिटी फिर भी अगर नहीं है तो हम आपको लिख के आपको पहले बता चुके हैं म्यू क्या होता था. तो म्यू सबको पता है, इट्स मैग्नेटिक परमेबिलिटी. तो ये चार टर्म्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है.